आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने लगाया आरोप, विकास कार्यों से अनुसूचित जाति के ग्रामीणों को प्रधान द्वारा किया जा रहा उपेक्षित। खबर जनपद भदोही, तहसील व ब्लॉक ज्ञानपुर के ग्राम सभा मदनपुर अंतर्गत ग्राम पूरे दल्लू से है, जहां उक्त गांव निवासी कुछ ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान उषा देवी पत्नी रमेश यादव द्वारा सरकारी योजनाओं के लाभ से अनुसूचित जाति के लोगों को वंचित रखा जा रहा है, अर्थात पक्षपातपूर्ण तरीके से योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दिया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से हस्ताक्षर किया हुआ प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड व ग्राम सभा में कराए गए कार्यों की लिस्ट, बाकायदा जिन कार्यों में गड़बड़ी है को लिस्ट में हाईलाइट कर जिलाधिकारी को सौंपा और ग्राम प्रधान उषा देवी और ग्राम सचिव लक्ष्मण यादव के खिलाफ जांच करने का आग्रह किया। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें आवश्यक सुविधाएं जैसे हैंडपंप और शौचालय से भी उपेक्षित किया जा रहा है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मांग किया कि अधिकारियों की एक टीम भेजकर गांव में आरोप का सत्यापन कराया जाए ताकि शासन की योजनाएं जन जन तक पहुंच सके। वहीं उक्त गांव निवासी दीपक कुमार ने मीडिया में दिए बयान में बताया कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की सूची में कई कार्य ऐसे हैं जो वास्तव में धरातल पर ठीक तरह से नहीं कराए गए हैं। मामले में अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस दौरान शिकायतकर्ताओं में किरण देवी पत्नी शेखर, रेणु देवी पत्नी सुरेंद्र, बलिराम पुत्र जोगेंद्र, सुनीता देवी पत्नी बलिराम, सुरेश पत्नी मुन्नीलाल, मीना पत्नी राजेंद्र, राजकली पत्नी जोगेंद्र, रन्नो देवी पत्नी स्वर्गीय झिंगुरी, फोटो देवी पत्नी खानू, काली पत्नी गुंजा कुमार, मीना देवी पत्नी भुल्लू, निवासीगण पूरे दल्लू मौजूद रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ विकास मिश्रा की रिपोर्ट। आज आप लोग मुख्यालय पे आए हैं तो क्या समस्या है आपकी? समस्या सर तो बहुत है, हमारे ग्राम प्रधान जो है कुछ कर नहीं रहे हैं। उनका ये दोबारा पंचवर्षीय है, एक बार उनकी वो हुए थे, एक बार इस बार उनकी पत्नी हुई है, रमेश प्रधान है नाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार है। तो क्या समस्या हो गई है? समस्या सर ये है कि गांव में कुछ काम हुआ नहीं है और जितना वो सब उसमें कार्य ब्यौरा में सब दिखा चुके हैं और पैसा भी निकाल चुके हैं कि ये सब काम हो चुका है, और हमारे गांव हमारे ग्राम सभा में कुछ भी काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि रिबोर दिखाए हैं 20-25 ठो, लेकिन रिबोर दिए हैं 3-4 ठो 5 ठो दिए हैं, वो भी जनरल लोगों के लिए, 80-80 लोगों के लिए कुछ भी नहीं दिए हैं। तो आपको कैसे पता चला कि रिबोर 25 है? ये सर हम उसमें कार्य योजना से देखे थे, कहीं से मिला था तो हम देखे तो उसमें पता चला। आपके पास पड़ा हुआ है क्या? जी जी हमारे पास पड़ा हुआ है। कहाँ है ये सर? सामने के लिए ये है, इसमें जो जो हरे रंग का डॉट लगा हुआ है वो समझ लीजिए हो चुका है, और पक्की नाली भी हो चुकी है और सड़क भी बन चुका है। कितनी बार रिपेयर भी दिखा चुके हैं, एक बार रिपेयर भी नहीं हुआ है हमारे ग्राम सभा में, कुछ भी काम नहीं है और पानी की बहुत दिक्कतें हैं सर। तो प्रधान जी से आप लोग बोले नहीं? प्रधान जी से बोला जाता तो कहते हैं आप लोग हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हैं, धमकी भी देते हैं। तो आप कहीं अधिकारी के पास नहीं गए थे? हम एक बार दिए थे सर कार्य ब्यौरा के लिए दिए थे, फिर उसके बाद एक बार रिमांडर भी दिए, उसमें कोई भी सुनाई नहीं हुआ। ये 2021 की बात है कि हमारे डीएम साहब बहुत गरीबों का बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं और सुनते भी हैं उनकी बातें, इसलिए हम लोग उनके पास आए थे। कौन सा ग्राम सभा बताया अपना? हमारा ग्राम सभा है सर पूरे दल्लूपुर ग्राम है, ग्राम सभा मदनपुर लगता है। अच्छा, ब्लॉक? ब्लॉक जो है गोपीगंज है, तहसील ज्ञानपुर है। आवास नहीं मिलता सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो पानी की भी दुख होता है, घर द्वार के लिए भी दुख है सर जी, गरीब आदमी है, हम लोग मांगता करते। तो और भी अधिकारी हैं, आप लोग उनसे कभी बोले नहीं? अधिकारी हैं सर जी, तो क्या कहें, जब प्रधान हम लोग का सुबह तो नहीं बना रहे तत्काल, तब उस बड़े साहब लोग के पास आए। आप लोग आए हैं सर जी? नाम है आपका? जी मेरा नाम सर दीपक कुमार है, और मेरा ग्राम जो है पूरे दल्लूपुर है, और पोस्ट गोपीगंज है, और तहसील ज्ञानपुर है, और हमारे प्रधान जी का जो नाम है रमेश प्रधान। दीपक जी क्या मसला है?
मसला यह है सर कि हमारे ग्राम सभा में कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, और काम नहीं हो पा रहा है, और काम करने के लिए बोला भी जाता है तो बोलते हैं ठीक है कर दिया जाएगा और टाल देते हैं। यही सब समस्या है, और हैंड पंप की बहुत ज़्यादा समस्या है। कितनी रिबोर आई लेकिन हमारे गांव में रिबोर नहीं हुआ। जिसके पास जैसे ओबीसी हैं, जनरल हैं, उनके यहाँ हो चुका है, और हमारे 80 शेड्यूल कास्ट में कोई एक भी रिबोर नहीं दिया गया। उसका रिबोर का पैसा हमारा खुद ही 30,000 रुपया जो है निकाल लिया गया है। आज तक रिबोर नहीं हुआ। जब प्रधान से पूछा गया कि आप हमारा रिबोर कराइए तो बोलते हैं कि हमसे पूछ के आप गड्ढा खुदवाए थे, मजबूरन मुझे गड्ढा मुदवाना पड़ा, ढकवाना पड़ा। पैसा कौन निकाला? पैसा तो इसमें कार्ययोजना के हिसाब से तो निकल चुका है सर, हमने पता किया था तो बोले कि 30,000 रुपया आपका निकल चुका है, तो अभी तक नहीं लगा है। आपके नाम से इशू हुआ है? जी, मेरे नाम से ही इशू हुआ है, दीपक कुमार के नाम से। प्रधान द्वारा क्या कहा जा रहा है, क्या आश्वासन दिया गया? प्रधान जी तो आज करीबन 7 साल से आश्वासन दे रहे हैं कि आपका काम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि ना तो बिजली की सुविधा है, ना तो पानी की सुविधा है, ना तो आवाज़ की सुविधा है। जनपद कुछ रोजगार सूचना? हाँ सर, ये देखिए, ये 57 नंबर पे जो है हमारा नाम है, रिबोर हो चुका है, और इसमें और पैसा भी निकल चुका है, अभी तक हमारे यहाँ रिबोर नहीं हुआ। इस बात की सूचना किसी अन्य अधिकारी को आप दिए थे? सर, एक बार हम पोर्टल पे दिए थे, जन सूचना अधिकारी को भी दिए थे, कार्य ब्यौरा की सूची भी मांगे थे, फिर उसके बाद हमने रिमाइंडर भी दिया था 2021 में ही। आज तक कोई मुझे कार्य ब्यौरा की सूचना नहीं दिया गया, यही सब समस्या है सर। इस बाबत की जानकारी जिलाधिकारी महोदय को? जिलाधिकारी महोदय को नहीं दी गई थी, और जन सूचना अधिकारी को भी दी गई थी, और ब्लॉक जो उसमें रहते हैं उनको भी भेजा गया था, और रिमाइंडर भी भेजे थे, तो 15 दिन की रिमाइंडर भी दी गई थी, लेकिन अभी तक वो नहीं आए। डेट भी निकल गई, 2021 से 2023 चलने लगा। और हम आज DM कार्यालय पर आए थे, और आज सर से मिलके हम ये अपना जो है फॉर्म है, जो एप्लीकेशन है वो देंगे, और सर से विनती है कि हम लोगों का निवारण किया जाए, यही आप DM सर से विनती। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।